Hello everyone, welcome to getlectures.com. In this series of PGT computer science, today we are going to discuss computer networks. Okay, so aaj hum computer networks ke 200 questions solve karenge aur in 200 questions mein se 50 questions easy level, 100 questions medium level and 50 questions thoda extra level ke honge. Ye 50 questions jo honge ye hum solve karne wale hain jo last ke gate computer network ke gate ke questions hai aur UGC net ke questions hai ya fir ISRO ke questions hai. ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो DSSSB के लेवल के होंगे. ओके, इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में आप DSSSB का कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. तो इन 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कंप्यूटर नेटवर्क की थ्योरी एक्सपीरियंस देखेंगे. ओके, कुछ ऐसी थ्योरी जो आपको आगे आने वाले जितने भी MCQs हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगी. जो मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं उनके सॉल्यूशन के, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे इस थ्योरी के बाद में. ओके, मैं बहुत ही बेसिक सी चीज कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, कोई कंप्यूटर नेटवर्क की टॉपिक वाइज डिटेल में नहीं जाएंगे. सिर्फ ऊपर से देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, उसकी जरूरत क्यों है. ओके, कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट बहुत ही रियल लाइफ से रिलेटेड है. ओके, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आपकी रियल लाइफ से बहुत रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल, अगर आप ईमेल का सिस्टम देखो, ईमेल के लिए, ईमेलिंग के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में हम एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वो है SMTP. तो SMTP को आप डिटेल्स में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो आपके नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में आप जैसे जैसे लेटर्स को डिलीवर करते हो वैसे वैसे ही वो डिजाइन किया गया है. इसी नाम पे हमारा एक और प्रोटोकॉल है ईमेल के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए या फिर ईमेल को रिट्रीव करने के लिए, और वो प्रोटोकॉल है POP. ओके, इसका नाम भी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, जो कि रियल लाइफ के पोस्ट ऑफिस में जैसे जैसे चीज़ें होती हैं उसी के अकॉर्डिंग वो बनाया गया है. ओके, अगर आप देखो कि अगर आपको किसी दूसरे सिटी में किसी और को लेटर सेंड करना है कोई, तो आप कैसे सेंड करते हो? पहले आप लेटर दोगे पोस्टमैन को, पोस्टमैन वो लेटर जाएगा लेके जाएगा अपने पोस्ट ऑफिस में, फिर उस पोस्ट ऑफिस से कोई और उसको रिसीव करेगा, फिर वो डिलीवर करेगा दूसरी सिटी में. तो इस तरह से आपका जो लेटर होगा वो डिलीवर होगा घर में, और घर के बाद में उस घर पे पहुंचने के बाद में वो लेटर डिलीवर होगा डिजायर्ड पर्सन को. ओके, तो इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में चीज़ें हो रही हैं. कंप्यूटर नेटवर्क हमने क्यों डिज़ाइन किया है और कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर दो एंटिटी जो एक दूसरे सेपरेटेड है फिजिकली जियोग्राफिकली, उनको आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कम्युनिकेट करें? ओके, पहले हमारे पास में था लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, फिर ओवर द टेलीफोन हम टेलीफोन से कम्युनिकेट करते थे. लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है बिट्स की फॉर्म में, ना कि वॉइस की फॉर्म में, तो वो आप बिट्स की फॉर्म में आप टेलीफोन के थ्रू नहीं सेंड कर सकते हैं. उसके लिए आपको एक प्रॉपर कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, और कंप्यूटर में कुछ प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होगी जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिक्रिप्ट करके शो करें आपकी स्क्रीन पर. तो पहले इनिशियली कंप्यूटर नेटवर्क सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च और मिलिट्री में ही यूज़ हुआ था, बाद में 1995 के बाद में इसको हमने पब्लिक कर दिया था. ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क में कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से आया. रियल लाइफ में क्या होता है, लेट से अगर दो पर्सन हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, लेट से एक हाउस है H1 और इसके अंदर दो पर्सन हैं P1 एंड P2. तो इनको अगर आपस में कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से, तो इनको कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से. ओके, एक दूसरे से फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसी तरह से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे कंप्यूटर्स हैं और उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उनको कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत ही नहीं है. वो सिंपली क्या करेंगे, अगर उनको एक डेटा एक्सचेंज करना है, कंप्यूटर नेटवर्क हम क्यों यूज़ करते हैं? या तो डेटा एक्सचेंज करने के लिए, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, और लेट से कुछ रिसोर्स एक्सचेंज करने, रिसोर्स को शेयर करने के लिए, जैसे प्रिंटर हो गया या फिर स्कैनर हो गया या फिर लेट से कोई स्टोरेज डिवाइस हो गया, उन सबको शेयर करने के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करते हैं. लेकिन सिंपली अगर एक ही हाउस के अंदर दोनों पर्सन हैं, तो वो फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आपको नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब क्या है कि उनको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है. लेकिन गैस करो, अगर दो पर्सन हैं जो जियोग्राफिकली एक दूसरे सेपरेटेड हैं, यानी कि काफ़ी दूर हैं, लेट से P1 है वह है दिल्ली के अंदर, और जो पर्सन P2 है मुंबई के अंदर, तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, और ना ही ये इतनी जोर से चिल्ला सकते हैं कि मुंबई तक आवाज़ पहुंच जाए. इनको कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. इनको अगर आप एक दूसरे को कुछ लिखना है, इनको अगर फ़ोन पे, अगर इनको वॉइस बात करनी है, तो ये सिंपली टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है. लेकिन इनको अगर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, कोई रिसोर्स एक्सचेंज करनी है, लेट से ये कोई रिसर्च कर रहा है पर्सन P1 IIT दिल्ली में, और इसको पर्सन P2 को IIT बॉम्बे में, इन दोनों को कोलेबरेट करना है रिसर्च में, तो ये दोनों इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे. इनको एक मीडियम चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए. इसी तरह से अगर एक कंप्यूटर है और उसके अंदर दो प्रोसेस रन कर रही है, ओके, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2, तो उनको अगर आपस में कम्युनिकेट करना है,
तो इनको कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत नहीं है, सिंपली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जिससे हम इन दोनों का कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, लेकिन गैस करो, अगर दो प्रोसेस हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, ये लेट्स से कंप्यूटर नेटवर्क है और इसके अंदर एक सिस्टम है H1। ओके, ये है कंप्यूटर नेटवर्क 1 और एक और कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि बहुत दूर है इससे, और इसके अंदर एक सिस्टम है H2 और इसके अंदर एक प्रोसेस रन कर रही है P2। ओके, ये है कंप्यूटर नेटवर्क 2। अब इन प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है। लेट से प्रोसेस कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है, लेट से मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या होगा, एक प्रोसेस फाइल को डाउनलोड कर रही होगी और एक प्रोसेस फाइल डाउनलोडिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी। तो ऐसे बोल सकते हो ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। क्लाइंट सर्वर हो सकते हैं, सेंडर रिसीवर हो सकते हैं, या फिर पीयर टू पीयर भी हो सकते हैं। क्लाइंट जो FTP है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो ये क्लाइंट होगा, ये डाउनलोड कर रहा होगा और ये उस फाइल की उस इसके अंदर वो फाइल स्टोर्ड होगी। ओके, जो होस्ट H2 है यहाँ पे वो फाइल स्टोर्ड है। तो इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत होगी। ये आपस में ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप यहाँ से फाइल उठा के यहाँ पे फेंक दो और इसमें आ जाएगी, नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल। काश हो पाता तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस केस में आपको कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत होगी। अब जैसे मैंने बताया, अगर दो पर्सन जो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बहुत ही फिजिकली, तो वो एक दूसरे से अगर उनको कम्युनिकेट करना है, लेट से जो ओल्ड टाइम्स में क्या था, आप लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। P1 क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा, लेट से इसने एक रिसर्च पेपर लिखा और ये चाहता है कि P2 उस रिसर्च पेपर को रिव्यू करे। तो पुराने ज़माने की अगर बात है तो उसमें क्या करेगा, ये अपने जो उसने जो रिसर्च पेपर लिखा है उसको सिंपली पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसको सेंड कर देगा। ओके, उस केस में क्या होगा, P1 एक प्रॉपर इसका एड्रेस लिखेगा। एड्रेस कैसे लिखेगा, पहले इसकी उसके हाउस का अपना नाम, उसके बाद में हाउस नंबर, उसके बाद में सिटी नेम, उसके बाद में फाइनली कंट्री। तो इस तरह से कई सारी इन्फॉर्मेशन होगी एड्रेस में। अब ऐसा क्यों है कि आपको एड्रेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है, आप सिंपली ये क्यों नहीं कह सकते हैं कि मुझे P2 का लेटर सेंड करना है, डायरेक्टली P2 का नाम लिख दो बस एड्रेस में और पहुंच जाए। क्यों, क्योंकि P2 अकेला इंसान नहीं है दुनिया के अंदर, इंसान बहुत इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। जब जहाँ पे भी बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं या बहुत सारी प्रोसेस हैं, तो आपको एक आइडेंटिफायर की जरूर पड़ेगी। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रोसेस रन कर रही है, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्रोसेस आईडी की ज़रूरत होती है। जहाँ पर भी एक से ज़्यादा चीज़ होगी सेम तरह की, वहाँ पे आपको आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से अब इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे सिटीज़ हैं, एक सिटी के अंदर बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं, एक स्ट्रीट के अंदर बहुत सारे घर हैं और एक घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हर चीज़ के लिए आइडेंटिफायर की ज़रूरत है आपको। तो पहला स्टेप क्या होगा, इस अगर यहाँ से पोस्टमैन गया और पोस्टमैन का पहला स्टेप क्या होगा, उसका पहला टारगेट ये होगा कि मैं उस सिटी तक पहुंच जाऊं, यानी कि मैं मुंबई तक पहुंच जाऊं। मुंबई में पहुंचने के बाद में अब उसका टारगेट होगा कि मैं अब उस स्ट्रीट तक पहुंच जाऊं जिस स्ट्रीट के लिए लेटर है। सेकंड, वो स्ट्रीट तक पहुंच जाएगा, ठीक है, स्ट्रीट नंबर लेट से 12 तक पहुँच गया। अब उस स्ट्रीट में बहुत सारे घर हैं, अब उस उनमें से जो डिज़ायर्ड घर हैं, जो कि जिसके जिसके पास में लेटर जाना है, उसके घर पर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद में उस घर के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं, किसको डिलीवर करना है लेटर, लास्ट स्टेप वो होगा। ओके, तो पहले ये कैसे जाएगा, ये पहले जाएगा सिटी। ओके, पहले सिटी जाएगा, सिटी के बाद में स्ट्रीट, और स्ट्रीट के बाद में फाइनली हाउस, और हाउस के अंदर पर्सन। तो कई सारे आइडेंटिफायर की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर देखो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत तरह के एड्रेसेस हैं, फिजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है, पोर्ट नंबर है, वो सब चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं और कुछ नहीं है। ओके, जो आपका आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है। ओके, तो हम अगर एड्रेसिंग की बात करें, जो आपका आईपी एड्रेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। तो नेट आईडी क्यों है, इसी तरह से है जैसे सिटी आईडी, क्योंकि एक कंट्री के अंदर बहुत सारी सिटीज़ हैं, तो पहले आपको सिटी आइडेंटिफाई करनी है। नेट आईडी इसी तरह से एक कंट्री के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, तो आप नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है पहले। पहले आपको पहला स्टेप ये है कि आपको नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है, नेटवर्क के अंदर तब आप होस्ट को आइडेंटिफाई करोगे। तो अगर आप डायरेक्टली सिर्फ होस्ट की आईडी दे दो तो आप डायरेक्टली वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि बहुत सारे होस्ट जो हैं वो सेम आईडी के हो सकते हैं। तो आप जब आपको नेट आईडी दी गई है तो आप फाइनली उस नेटवर्क तक पहुँच गए हो,
अब उस नेटवर्क में पहुंचने के बाद में आप देखोगे होस्ट आईडी की तरफ कि उस नेटवर्क के अंदर किस किस होस्ट होस्ट का मतलब है कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है या फिर कोई भी मोबाइल डिवाइस, एनीथिंग कैन बी होस्ट इन कंप्यूटर नेटवर्क। अब इस नेटवर्क में पहुंचने के बाद में होस्ट आईडी के थ्रू आप उस होस्ट तक पहुंच जाओगे। अब फाइनली होस्ट तक पहुंचने का मतलब ये कि आप पहले नेट आईडी के थ्रू एक सिटी के अंदर पहुंच गए, उस सिटी में पहुंचने के बाद में आप होस्ट आईडी के थ्रू उसके घर तक पहुंच गए हो। अब घर पहुंचने के बाद में भी उस घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, आपको ये लेटर किसको डिलीवर करना है, वो लेटर किसको डिलीवर करना है ये बताएगा पोर्ट नंबर। ओके, पोर्ट नंबर ऐसे ही काम करेगा जैसे कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर मुझे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रोसेस रन कर रही है, P1, P2, P3, P4। ओके, ये नेटवर्किंग प्रोसेस है जो कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ कर रही है, जो भी प्रोसेस कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ कर रही होगी उसका एक पोर्ट नंबर होगा जिस पोर्ट पे वो रन कर रही होगी। जैसे कि HTTP है, HTTP वेब ब्राउजिंग के लिए है और उसका पोर्ट नंबर है 80। जैसे आपका SMTP है, SMTP ईमेल के लिए है और उसका पोर्ट नंबर है 25। तो इसी तरह हर एक प्रोसेस का एक पोर्ट नंबर होगा। ये ऐसे ही है जैसे एक घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, P1, P2, P3, P4 और हर एक का एक नाम है। ओके, हर एक का एक नाम है और एक आधार आईडी है, तो आप आधार आईडी को बोल सकते हो कि पोर्ट नंबर है। ओके, क्योंकि अगर एक घर के अंदर सिर्फ एक ही इंसान होता, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस रन कर रही होती तो आपको पोर्ट नंबर की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि किसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली उस कंप्यूटर तक पहुंच जाओ और उस कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस रन कर रही है उसको डिलीवर कर दो, क्योंकि एक ही प्रोसेस रन कर रही है तो आप उसी को डिलीवर कर दोगे। लेकिन जब बहुत सारी प्रोसेस रन कर रही है तो किसको डिलीवर करना है वो डेटा, वो बताएगा आपका पोर्ट नंबर। अगर पैकेट पे पोर्ट नंबर डला हुआ है 80, इसका मतलब क्या है कि वो HTTP की प्रोसेस जो रन कर रही है, यानी कि जो ब्राउज़र रन कर रहा है, ये डेटा ब्राउज़र को फॉरवर्ड करना है। अगर पोर्ट नंबर डला हुआ है 20 और 21, इसका मतलब है कि आपको FTP को डिलीवर करना है वो डेटा। तो हो सकता है कि आप एक साथ अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ब्राउजिंग भी कर रहे हो, फाइल भी डाउनलोड कर रहे हो और वीडियो कॉलिंग भी कर रहे हो, तो कई सारी चीज़ें कर रहे हो। तो अब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क प्रोसेस रन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जब ब्राउजिंग कर रहे हो तो ब्राउजिंग के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, लेट्स से आपकी जो प्रोसेस P1 है वह है ब्राउजिंग, ब्राउजिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हो HTTP और वो पोर्ट नंबर 80 पर रन कर रही है। लेट्स से आप कोई फाइल भी डाउनलोड कर रहे हो तो फाइल डाउनलोडिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हो, FTP। हर एक एप्लीकेशन कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, हर एक एप्लीकेशन के लिए एक प्रोटोकॉल है। आप कुछ भी यूज़ करो, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर नेटवर्क में क्या यूज़ करते हो, आप कंप्यूटर नेटवर्क में ब्राउजिंग यूज़ करते हो, फाइल डाउनलोडिंग या फिर ईमेल या फिर चैटिंग, तो ये सब चीज़ें यूज़ करते हो। सोशल नेटवर्किंग आप ब्राउजिंग के थ्रू ही करते हो तो HTTP पोर्ट नंबर 80 पर रन करता है, या फिर रिमोटली किसी का अदर कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होगे तो आप नेटवर्क पे कुछ भी काम कर रहे हो, हर एक के लिए एक प्रोटोकॉल है, हर एक चीज़ के लिए एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स कि वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे। FTP है तो दो पोर्ट नंबर यूज़ कर रही होगी, 20 और 21, एक कंट्रोल कनेक्शन के लिए, एक डेटा कनेक्शन के लिए। तो अगर आप लेट्स से ईमेल कर रहे हो तो ईमेल के लिए आप प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होगे SMTP, और SMTP आप यूज़ करते हो पोर्ट नंबर 25 पे। तो पोर्ट नंबर की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस एक साथ रन कर रही है एक सिस्टम पे। अगर आपके कंप्यूटर पे आप सिर्फ एक से, आपको ये अलाउड होता कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन कर रही होगी, तो आपको पोर्ट नंबर की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि आपका कंप्यूटर मल्टीटास्किंग है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये कि बहुत सारी प्रोसेस पैरेलली रन कर रही होगी, जो आपस में एक दूसरे के बीच में स्विच कर रही होगी, टाइम को शेयर कर रही होगी। तो इसीलिए प्रोसेस को आइडेंटिफायर देना ज़रूरी है, वो है पोर्ट नंबर। और याद रखना, प्रोसेस आईडी एंड पोर्ट नंबर का कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, तो इसी तरह से जब दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करती है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, तो आपको एक प्रोटोकॉल स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटोकॉल स्टैक मींस एक प्रॉपर एक सब एक एक कुछ लेयर्स होंगी जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी आपको। ओके, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो कंप्यूटर नेटवर्क में, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आपको इस एग्जाम्पल के बाद में पूरा कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आ जाएगा कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। गेस करो, एक हॉस्टल है, हॉस्टल H1। ओके, लेट्स से ये एक हॉस्टल है H1। ओके, ये हॉस्टल H1 है, इसके अंदर बहुत सारे पर्सन हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं, लेट्स से स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2, ये सब रूम नंबर्स हैं, ये हॉस्टल हैं और हॉस्टल के अंदर ये सब रूम्स हैं, और ये बॉयज़ हॉस्टल है लेट्स से। ओके,
ये सब क्या है, ये सब बॉयज हॉस्टल्स, ये एक बॉयज हॉस्टल है, उसके अंदर ये सारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं, और इसमें एक वार्डन है W1, एक और हॉस्टल है S2, और ये लेट्स से IIT बॉम्बे का हॉस्टल है, और ये है IIT दिल्ली का हॉस्टल, और ये गर्ल्स हॉस्टल है। ओके, लेट्स से ये बॉयज हॉस्टल है और ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो लेट्स से यहाँ पे भी कई सारी गर्ल्स रह रही हैं। ओके, और यहाँ पे भी एक वार्डन है, वार्डन W2। तो ये दोनों हॉस्टल हैं, दोनों हॉस्टल के अंदर वार्डन हैं, स्टूडेंट एंड वार्डन जो है सेम ही एक ही उसी हॉस्टल का पार्ट है। तो एक्चुअल में होता क्या है, इनकी स्टोरी है, स्टोरी ये है कि ये स्टूडेंट्स हर वीक इन स्टूडेंट्स को लेटर लिखते हैं। ओके, तो अब चीज़ें कैसे होती हैं, प्रोटोकॉल ये है कि ये सब के सब लोग लेटर लिखेंगे, अपना 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 लेटर लिखने के बाद में वार्डन को हैंड ओवर कर देंगे, सारे के सारे अपना अपना लेटर वार्डन को हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद में वार्डन क्या करेगा, हर वीक एक पोस्टमैन आएगा आपके हॉस्टल के अंदर, और वार्डमैन जो आपका वार्डन होगा वो सारे के सारे लेटर्स उस पोस्टमैन को दे देगा। ओके, पोस्टमैन क्या करेगा, उन सब लेटर्स को लेके जाएगा, और हमें बताया कि अगर ये दिल्ली में है और ये मुंबई में है तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये यही पोस्टमैन, जो पोस्टमैन लेट से P1 था, वही जाके वो फिजिकली जाए दिल्ली से मुंबई और सारे लेटर लेके जाए और वहाँ पे पोस्ट करें, ऐसा नहीं होगा। ये पोस्टमैन सारे के सारे लेटर यहाँ से इस हॉस्टल से रिसीव करने के बाद में अपने पोस्ट ऑफिस जाएगा। ओके, पोस्ट ऑफिस जाएगा, फिर पोस्ट ऑफिस से वो सारे के सारे लेटर्स एक बंदा रिसीव करेगा जो कि मुंबई जा रहा होगा, वो बंदा सारे के सारे लेटर्स मुंबई लेके जाएगा, ये भी पोस्ट ऑफिस ही होगा, मुंबई के पोस्ट ऑफिस तक जाएगा वो। अब उस पोस्ट ऑफिस से एक बंदा रिसीव करेगा उन लेटर्स को और फाइनली इस हॉस्टल के वार्डन को डिलीवर करेगा। ओके, इस हॉस्टल के वार्डन को डिलीवर करेगा, फिर वो वार्डन क्या करेगा, सबके लेटर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वो वार्डन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वार्डन देखेगा नाम लेटर के ऊपर कि नाम किसका है, जीवन, तो जीवन को जीवन का लेटर दे देगा और जी टू को जी टू का लेटर दे देगा। अब ये पूरी की पूरी चीज़ ये रियल लाइफ से रिलेटेड हमें बताया कि सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने लेटर्स दिए वार्डन को, वार्डन ने सारे लेटर्स कलेक्ट करने के बाद में वो लेटर्स दे दिए, वो सारे लेटर्स दिए पोस्टमैन को, पोस्टमैन वो सारे लेटर लेके गया पोस्ट ऑफिस पे, और पोस्ट ऑफिस से उसने दिल्ली के पोस्ट ऑफिस से वो लेटर एक बंदे ने उठाए और वो दे दिए किसको, एक बंदा जो मुंबई जा रहा है। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक वो फिजिकली ट्रैवल करेंगे और वो लेटर्स दे देगा मुंबई के, जो मुंबई जा रहा है उस पोस्टमैन को। फाइनली मुंबई के पोस्ट ऑफिस तक वो लेटर पहुँचेंगे, मुंबई के पोस्ट ऑफिस में लेटर्स पहुँचने के बाद में वहाँ से एक पोस्टमैन उन लेटर्स को उठाएगा और लेके जाएगा हॉस्टल S2, यानी कि IIT बॉम्बे के हॉस्टल लेके जाएगा, और वहाँ पे दे देगा वार्डन W2 को, सारे के सारे लेटर्स वार्डन को देगा। वार्डन क्या करेगा उसके बाद में, उन लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सबके साथ में। अब ये पूरी की पूरी जो चीज़ है, पूरी की पूरी ISO OSI लेयर से रिलेटेड है। अगर आप देखो तो ISO OSI प्रोटोकॉल स्टैक जो है वो पूरा का पूरा रियल लाइफ से रिलेटेड है, रियल लाइफ से रिलेटेड। कैसे, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को आप मान लो कि वो सब प्रोसेस हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जो आपका हॉस्टल है, हॉस्टल है कंप्यूटर, ठीक है। कैसे, अब इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, हॉस्टल है कंप्यूटर, स्टूडेंट्स है प्रोसेस, हॉस्टल के अंदर यानी कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी प्रोसेस हैं। अब क्या हो रहा है, जो वो आपका वार्डन है, वार्डन है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, वार्डन है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो आपका पोस्टमैन है, पोस्टमैन है नेटवर्क लेयर, जो कि पैकेट्स को रोड लेके जा रही है। जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या है, पोस्ट ऑफिस है राउटर, जहां से ये डिसाइड हो रहा है कि कौन से रूट से जाना है। ओके, पोस्ट ऑफिस है राउटर। अब एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस के बीच में कैसे ट्रेवल करना है ये डिसाइड करेगा डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर कहाँ डील कर रही है, लोकली, लोकली मीन्स ये पोस्टमैन यहाँ से पोस्ट ऑफिस के बीच में कैसे कहाँ कैसे ट्रेवल करेगा। ओके, ये हम डिसाइड करेंगे। और एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस के बीच में कैसे ट्रेवल करना है, फिर इस पोस्ट ऑफिस से इस हॉस्टल H2 के बीच में कैसे ट्रेवल करना है, ये काम है डेटा लिंक लेयर का। तो क्या हो रहा है, पहले सारी की सारी प्रोसेस ने अपना अपना डेटा दिया किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर को, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, क्योंकि जो वार्डन है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, कंप्यूटर है जो हॉस्टल है वो है कंप्यूटर, और स्टूडेंट उसके अंदर प्रोसेस है, सारे के सारे ये क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोसेस है। जो भी प्रोसेस, जो भी क्लाइंट सर्विसेज, जो भी क्लाइंट कुछ कर पा रहा है, क्लाइंट यहाँ पे कहाँ कौन है, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या लिख रहा है, लेटर, स्टूडेंट लेटर लिख रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर की एक सर्विस यूज़ कर रहा है।
तो यहाँ पे इन सब ने इन ये सब प्रोसेस किया है, ये सब अलग अलग एप्लीकेशन लेयर की प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल लेट्स से ये प्रोसेस जो है वो HTTP की प्रोसेस है, ये FTP की प्रोसेस है, ये POP की प्रोसेस है, लेट्स से ये टेलनेट की प्रोसेस है, ये SMTP की प्रोसेस है. सब की सब अलग अलग प्रोसेस हैं. इन सब ने अपना अपना डेटा दिया ट्रांसपोर्ट लेयर को. एप्लीकेशन लेयर के बाद में कौन सी आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर. तो इन सब ने अपना अपना डेटा दिया ट्रांसपोर्ट लेयर को. ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, उस मैसेज को, उस जो इन्होंने पूरा का पूरा मैसेज दिया था, सारे के सारे लेटर्स दिए थे, उन लेटर्स को डिवाइड किया छोटे छोटे सेगमेंट्स में और दे दिया नेटवर्क लेयर को. नेटवर्क लेयर कौन था? पोस्टमैन. नेटवर्क लेयर ने क्या किया, उन सब लेटर्स को लेके गया. ओके, उन सब लेटर्स को लेके गया और ये डिसाइड करना है पोस्टमैन को कि वो कैसे ट्रेवल करेगा. अब पोस्टमैन चाहे हवाई जहाज से जाए या फिर बाय रोड जाए. ओके, इसका मतलब क्या है, या तो वो वायर्ड नेटवर्क यूज करे या फिर वो वायरलेस मीडियम यूज करे. अब ये काम है पोस्टमैन का, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना. तो अब अगर ध्यान से देखो, जो पोस्टमैन डिलीवर कर रहा है लेटर्स को, वो घर से उठा रहा है, यानी कि घर से ले रहा है और घर तक डिलीवर कर रहा है, घर से घर तक, यानी कि हाउस से हाउस तक. तो आप कह सकते हो कि नेटवर्क लेयर जो है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर और होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है. कंप्यूटर नेटवर्क जो आपकी नेटवर्क लेयर है वो क्या करती है? होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, यानी कि घर से घर तक की डिलीवरी. अब पॉइंट प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कौन करता है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी मतलब कि उस इंसान से उस इंसान तक की डिलीवरी, यानी कि इस स्टूडेंट वन का लेटर इस गर्ल वन के पास में जाना है और ये कौन इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, वार्डन. वार्डन क्या देखेगा कि डेस्टिनेशन एट पोर्ट नंबर क्या है, जो इन सब लड़कियों के नाम है इस घर के अंदर, ये है पोर्ट नंबर्स. इनको ऐसे मान लो ये है पोर्ट नंबर्स. ये सब क्या है? प्रोसेस है. अब ये वार्डन कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किस प्रोसेस को वो लेटर डिलीवर करना है? ये वार्डन देखेगा लेटर के ऊपर नाम, नाम के अकॉर्डिंगली वो सबको डेटा डिलीवर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इस कंप्यूटर के अंदर ही बहुत सारी प्रोसेस रन कर रही है, इस कंप्यूटर के अंदर ही बहुत सारी प्रोसेस रन कर रही है. किस प्रोसेस को डेटा डिलीवर करना है, ऐसा ना हो कि आप HTTP का डेटा FTP को डिलीवर कर दो और FTP का डेटा SMTP को डिलीवर कर दो, तो सब गड़बड़ हो जाएगी. इसीलिए हमने पोर्ट नंबर रखे हुए हैं. पोर्ट नंबर किस लिए है? पोर्ट नंबर इसीलिए है कि जिस प्रोसेस के लिए डेटा आया है उसी को दिया जाए और वो आइडेंटिफाई करेंगे पोर्ट नंबर के थ्रू. इसी तरह से ऐसा ना हो कि ये जो वार्डन W2 है, इसने जो इसने लेट से स्टूडेंट S1 था, उसने लेटर लिखा था G1 के लिए और लेटर डिलीवर कर दिया G2 को. ओके, अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी. तो ये कैसे कैसे होगा? स्टूडेंट S1 अपना नाम डालेगा लेटर के ऊपर, यानी कि अपना पोर्ट नंबर डालेगा, सोर्स पोर्ट नंबर. फिर डेस्टिनेशन जो जो वार्डन W2 होगा, वो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देख के ये समझ जाएगा कि वो गर्ल वन के लिए लेटर है, यानी कि G1 के लिए लेटर्स हैं. इसी तरह आपकी पूरा प्रोटोकॉल स्टैक काम कर रहा है. एक और एग्जांपल लें अगर हम, एक छोटा सा एग्जांपल, जब आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल में एक आप जाने अनजाने में एक प्रोटोकॉल स्टैक यूज़ कर रहे हो. आप जो TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ ही कर रहे हो, TCP/IP भी रियल लाइफ से ही लिया गया है. फॉर एग्जाम्पल इनिशियली आप क्या करते हो, टिकट परचेज करोगे. टिकट परचेज करने के बाद में बैगेज चेक होगा, फिर गेट्स पे लोड होगा, फिर रनवे टेक ऑफ आपके प्लेन का, और फाइनली एयरप्लेन की राउटिंग जब आप उड़ रहे होगे कहाँ कहाँ से ट्रेवल करना है. ओके, थ्रू द वर्चुअल वर्चुअल ट्रांसपोर्ट. अब फाइनली ये राउटिंग हो रही होगी, ये नेटवर्क लेयर पे हो रहा है काम सारा का सारा. अब क्या हो रहा है, एयरप्लेन कहाँ, अब एयरप्लेन जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, सोर्स से डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे पहुंचेगा, उसके बाद में लैंडिंग करेगा. यहाँ पे क्या हुआ था, टेक ऑफ किया है और यहाँ पे लैंडिंग, सब कुछ उल्टा होगा यहाँ से. ओके, यहाँ पे टेक ऑफ किया, यहाँ पे लैंडिंग की, लैंडिंग के बाद में अनलोड होगा गेट्स पे, उसके बैगेज आप क्लेम करोगे और फाइनली टिकट को आप फाइनली शो करके बाहर जाओगे. ओके, यहाँ पे टिकट परचेज करोगे और यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करोगे. तो सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही है. सेंटर में डेटा ऐसे, सेंटर में जो प्रोसेस स्टेप्स चल रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं. ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जब आप रिसीवर की साइड पहुंचोगे, यानी कि डेस्टिनेशन पहुंचोगे, तो चीज़ें ऐसे चलेगी, यानी कि पहले एयरप्लेन रूटिंग होगी, फिर रनवे लैंडिंग होगी, फिर गेट्स पे अनलोड होगा, फिर बैगेज क्लेम करोगे, देन टिकट. तो इस यही प्रोटोकॉल स्टैक काम कर रहा है. प्रोटोकॉल स्टैक में भी यही है. पहले आपने क्या किया, एप्लीकेशन लेयर पे कोई मैसेज क्रिएट किया. मैसेज क्रिएट करने का मतलब क्या है, लेट से आपने एंटर किया ब्राउजर में google.com. जैसे ही आपने google.com एंटर किया, एक एक मैसेज क्रिएट हो गया है. पहले वो मैसेज जाएगा DNS सर्वर के पास में. DNS सर्वर क्या करेगा, google.com
का जो आईपी एड्रेस है वो आपको दे देगा, क्योंकि गूगल डॉट कॉम का कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। गूगल डॉट कॉम सिर्फ आपकी आसानी के लिए है। अगर डोमेन नेम ना होते तो आपको सब हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना पड़ता। उसी चीज़ को हमने कॉम्प्लेक्स, उस चीज़ को ईजी करने के लिए हमने हर एक वेब सर्वर को एक नाम दे दिया है, होस्ट नेम। एक्चुअल में वेब सर्वर हम आईपी एड्रेस के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो आपका डीएनएस सर्वर आपको हेल्प करता है। तो पहले आप क्या करोगे, एप्लीकेशन लेयर पे आपने एंटर किया गूगल डॉट कॉम, आपका पैकेट गया, पहले आपका मैसेज गया डीएनएस सर्वर के पास में, आपने कहा डीएनएस सर्वर को कि ये गूगल डॉट कॉम है, इसका आईपी एड्रेस बताओ। डीएनएस सर्वर ने आईपी एड्रेस बताया, फिर आप डायरेक्टली अपने उस आईपी एड्रेस पे टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश किया थ्रू द थ्री वे हैंड शेकिंग। रिक्वेस्ट गई वेब सर्वर के पास में, वेब सर्वर ने रेस्पॉन्स किया एचटीटीपी रेस्पॉन्स के थ्रू। अब जो वो आपका मैसेज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट हुआ, वो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में। ऐसे ही है जैसे स्टूडेंट ने लेटर लिखा, लेटर उसने उसके बाद में वार्डन को दे दिया। वार्डन ने क्या किया, उन लेटर्स को इस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर मैसेज देगी ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर की एक लिमिट है सेगमेंट की। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उस मैसेज को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी और हर एक सेगमेंट के साथ में एक हेडर ऐड कर देगी। ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर में क्या ऐड करेगी, सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, यानी कि किस प्रोसेस से डेटा आया है और किस प्रोसेस को डेटा डिलीवर करना है सिस्टम के अंदर। अब मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर से जाएगा, जो आपके सेगमेंट्स होंगे वन बाय वन ट्रांसपोर्ट लेयर से जाएंगे नेटवर्क लेयर के पास में। नेटवर्क लेयर क्या करेगी, हर एक सेगमेंट को पैकेट्स में डिवाइड कर देगी और हर एक पैकेट के साथ में एक हेडर ऐड कर देगी। हेडर में क्या होगा, नेटवर्क लेयर हेडर में ऐड करेगी सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करेगा, नॉर्मली अभी जानने के लिए यही काफ़ी है कि नेटवर्क लेयर सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऐड करेगा, जो कि लॉजिकल एड्रेस है। अब नेटवर्क लेयर से जो पैकेट यहाँ पे बने हैं सेगमेंट से, वो पैकेट्स जाएंगे डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, डेटा लिंक लेयर लोकल एरिया नेटवर्क्स पे काम करती है और हर एक लोकल एरिया नेटवर्क का एक मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट होती है, यानी कितना डेटा वो हैंडल कर सकती है एक बार में। इसीलिए डेटा लिंक लेयर भी पैकेट्स को फ्रेम्स में डिवाइड करेगी। अब हर एक फ्रेम के साथ में डेटा लिंक लेयर भी हेडर ऐड करेगी और वो हेडर हो उस हेडर में ऐड करेगी सोर्स फिजिकल एड्रेस एंड डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस, या कह सकते हो कि सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो यहाँ पे मैक एड्रेस ऐड कर रहे हो सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यहाँ पे आईपी और यहाँ पे पोर्ट नंबर। ओके, ये सब आप हेडर्स ऐड करते जा रहे हो हर एक चीज़ के साथ में। पहले मैसेज था, मैसेज से सेगमेंट्स बने, सेगमेंट से पैकेट्स बने, पैकेट से फ्रेम्स बने, और फ्रेम्स जो है वो बिट्स में डिवाइड होगी और बिट्स फाइनली ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी फिजिकल लेयर के पास में। अब यहाँ से डेटा, ये सेंडर साइड थी और ये रिसीवर साइड है इस साइड। ओके, अभी यहाँ पे रिसीवर साइड में भी ऐसा ही होगा। एक्चुअल में ये अलग अलग डायग्राम्स हैं, तो मान लेते हैं लेट्स से ये भी टीसीपी आईपी ही है, ये टीसीपी आईपी है और ये आईएसओ एसआई है, दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है। तो रिसीवर साइड की फिजिकल लेयर पे डेटा जाएगा, यहाँ से सेंडर साइड में ऐसे डेटा फ्लो होगा और रिसीवर साइड में डेटा ऐसे फ्लो होगा, जैसे हमने अभी फ्लाइट का एग्जांपल देखा था। तो फिजिकल लेयर पे सारी बिट्स जाएंगी, फिजिकल लेयर पे जाने के बाद में सारी की सारी बिट्स इकट्ठा होंगी और वो यहाँ पे क्या हुआ था, जो फ्रेम था वो बिट्स में डिवाइड हुआ था, यहाँ पे बिट्स इकट्ठी होगी और वो फ्रेम्स बनेगी। अब फ्रेम्स इकट्ठा हो गए, पैकेट्स बनेंगे और पैकेट्स इकट्ठा हो गए, बहुत सारे पैकेट्स जो है वो असेंबल होंगे और वो एक सेगमेंट बनाएंगे। फिर कई सारे सेगमेंट्स असेंबल होंगे और वो एक मैसेज बनाएंगे, मैसेज फाइनली डिक्रिप्ट होगा और एप्लीकेशन लेयर को हम डिलीवर कर देंगे। यहाँ पे मैसेज जो है वो पहले यहाँ पे सब कुछ डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे कंबाइन हो रहा है। ओके, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे कंबाइन हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें चल रही है। दो तरह के प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, टीसीपी आईपी एंड आईएसओ ओएसआई लेयर। आईएसओ ओएसआई प्रोटोकॉल स्टैक में 7 लेयर्स है और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक में 5 लेयर्स है। तो एक्चुअल में हम रियल लाइफ में इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, 5 लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक। इसको स्टैक क्यों बोल रहे हैं, स्टैक इसीलिए बोल रहे हैं, अगर आपने अभी ध्यान दिया हो तो यहाँ पे हेडर्स ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं। ओके, इनिशियली क्या हो रहा है, पहले हेडर्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे हर एक, पहले ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स के साथ में हेडर ऐड हुआ, फिर पैकेट्स के साथ में हेडर ऐड हुए, फिर लिंक के साथ में हेडर ऐड हुए। अब रिसीवर साइड में क्या होगा, हेडर्स जिस तरह से आपने ऐड किए हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन में वो रिमूव होंगे। सबसे लास्ट में कौन सा हेडर ऐड हुआ है, सबसे लास्ट में डेटा लिंक लेयर का हेडर ऐड हुआ है और पैकेट सबसे पहले डेटा लिंक लेयर के पास जाएगा। डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, सबसे पहले डेटा लिंक लेयर ने जो हेडर ऐड किया था वो रिमूव कर देगा। ओके, अपना डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखने के बाद में उसको रिमूव कर देगा। फिर यहाँ से वो पैकेट जाएगा, यहाँ से जो फ्रेम था वो जाएगा नेटवर्क पे और वहाँ पे वो कंबाइन होगा पैकेट्स में। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगी, नेटवर्क लेयर रिमूव कर देगी जो आपका हेडर था यहाँ पे जो ऐड किया गया था।
IP address, source IP address and destination IP address. उसके बाद में transport layer अपना header add करेगी, remove करेगी, फिर application layer अपना header remove करेगी. तो यहाँ पे ऐसे headers add हो रहे हैं, पहले application layer, फिर transport, फिर network, फिर link layer, फिर physical layer. इस order में add हुए थे. सबसे लास्ट में ऐड किसका हुआ था? डेटा लिंक लेयर का. और सबसे पहले रिमूव कौन सा होगा? डेटा लिंक लेयर का. लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसीलिए इसको स्टैक बोल रहे हैं, प्रोटोकॉल स्टैक. ओके, TCPIP में 5 लेयर्स हैं और ISO SHA लेयर में 7 लेयर्स हैं. यहाँ पे हमने जो प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती TCPIP में. हमने इनकी फंक्शनैलिटीज एप्लीकेशन लेयर में ही ऐड कर दी है. जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, इस थियोरटिकल मॉडल को इम्प्लीमेंट किया TCPIP की फॉर्म में, तो हमने कहा कि ये सारी की सारी जो फंक्शनैलिटीज है वो हम एप्लीकेशन लेयर में ही डेवलप कर सकते हैं. तो अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया डेटा कैसे जा रहा है, लेट्स से ये सोर्स है, यहाँ से कोई मैसेज कंपोज हो रहा है और ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पे मैसेज जाना है, उनके बीच में क्या क्या होगा. तो मैसेज क्रिएट हुआ, मैसेज पहुँचा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में, ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया और हर एक सेगमेंट के साथ में हेडर ऐड कर दिया है, जिसने को हमने कहा ST. फिर वही मैसेज, वही सेगमेंट गया नेटवर्क लेयर के पास में और नेटवर्क लेयर ने उन सब पैकेट्स को डेटाग्राम में या फिर पैकेट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पैकेट या डेटाग्राम के साथ में हेडर ऐड कर दिया. फिर डेटा लिंक लेयर के पास में गए पैकेट्स, डेटा लिंक लेयर ने हर एक पैकेट को फ्रेम्स में डिवाइड किया और हर एक फ्रेम के साथ में अपना हेडर ऐड कर दिया. तो आपके पास में अब 3 हेडर हो गए हैं, एक ट्रांसपोर्ट का, फिर नेटवर्क का और फिर डेटा लिंक लेयर का. अब ये गया आपका लेट से राउटर के पास में. ओके, लेट से पहले स्विच लगा हुआ है आपके कंप्यूटर जो है वो स्विच रिलेटेड, स्विच से कनेक्टेड है. स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर डिवाइस है. डेटा लिंक लेयर डिवाइस का मतलब क्या है कि ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है और ये लैन के अंदर काम करता है. इसके अंदर 2 लेयर्स होंगी, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. तो याद रखना जब भी कोई लेयर होगा, लेट्स अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहता हूँ कोई भी एक डिवाइस, फॉर एग्जांपल डिवाइस ए डेटा नेटवर्क लेयर डिवाइस है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नेटवर्क लेयर से लेके उसके नीचे तक की सारी लेयर्स होंगी. मतलब नेटवर्क लेयर होगी, डेटा लिंक लेयर होगी और फिजिकल लेयर होगी. अगर मैं कहूँ कि ये डिवाइस ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइस है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ट्रांसपोर्ट से लेकर नीचे तक की सारी लेयर्स होंगे, उसके ऊपर की लेयर नहीं होंगी. तो क्योंकि डेटा लिंक लेयर डिवाइस है स्विच, इसके अंदर दो लेयर्स हैं, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. अब ये डेटा लिंक लेयर से जो आपका पैकेट था, फ्रेम था, वो जाएगा राउटर के पास में. राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर डिवाइस है, इसको लेयर 3 डिवाइस भी बोलते हैं राउटर को. राउटर क्या करता है, राउटिंग करेगा पैकेट्स की, कि किस किस रूट से वो पैकेट हमें डिलीवर करना है. जैसे पोस्टमैन कर रहा है, पोस्टमैन भी रूट सेलेक्ट कर रहा है. तो कैसे, मान लो कि ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि किस किस रूट से जाना है. क्योंकि नेटवर्क लेयर डिवाइस है राउटर, तो उसके अंदर 3 लेयर्स होंगी, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. फाइनली यहाँ से पैकेट जाएगा डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन होस्ट पे, और डेस्टिनेशन होस्ट पे पैकेट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा. पहले फिजिकल लेयर से फिजिकल लेयर पे डिलीवर होगा और फिर सारी की सारी बिट्स कंबाइन होंगे, फ्रेम बनेगी, फ्रेम से कंबाइन होके पैकेट्स बनेंगे, पैकेट्स कंबाइन होके सेगमेंट्स बनेंगे और सेगमेंट्स कंबाइन होके मैसेज बन जाएगा. यहाँ पे चीज़ें ब्रेक हुई थी, यहाँ पे कंबाइन होगी. ओके, तो इस तरह से मैसेज डिलीवर हो रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में. और हर एक लेयर पे हम कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करेंगे. अब हम वो प्रोटोकॉल्स देखेंगे. सबसे पहले हम इनिशियली कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, जो हमने अभी तक थ्योरी एक्सप्लेन की है, थ्योरी की बात की है, उसी के बारे में हम थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे. तो क्वेश्चन 1 इज सेइंग, इन द लेयर हायरार्की एज डेटा पैकेट मूव्स फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर, हेडर्स आर एडेड और रिमूव्ड. ओके, मूव्स फ्रॉम अपर टू द लोअर लेयर्स, यानी कि कहाँ से कहाँ आ रहा है, अपर से लोअर लेयर की तरफ आ रहा है. तो आप क्या करते हो, यानी कि सेंडर, इस सेंडर की साइड है, अपर से लोअर मतलब टॉप से बॉटम, एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ. तो आप क्या करते हो, हेडर ऐड करते हो, फिर ये एप्लीकेशन फिर फिजिकल लेयर के पास में जाएगा और फिर यहाँ से रिसीवर के पास में जाएगा, रिसीवर की एप्लीकेशन लेयर पे. और जो यूज़र्स हैं, जो हम हैं, जो हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे, हम एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे. तो रिसीवर साइड में जो हेडर्स होंगे वो रिमूव होंगे, सेंडर साइड में हेडर्स ऐड होंगे और रिसीवर साइड में रिमूव होंगे. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग, कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और ऑटोमेटिक. सो कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में किस तरह का ट्रांसमिशन हो रहा है, आपको पहले ही समझना होगा कि सिंप्लेक्स का मतलब क्या है, फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है और हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है, तो आप समझ जाओगे. सिंप्लेक्स का मतलब ये है कि ट्रांसमिशन सिर्फ एक साइड में ही हो सकता है. ओके, या तो सेंडर से रिसीवर या फिर रिसीवर से सेंडर, एक साइड में ही कम्युनिकेशन हो सकता है.
यह है सिंप्लेक्स की डेफिनेशन। फुल डुप्लेक्स का, हाफ डुप्लेक्स का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन दोनों साइड हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, यानी कि सेंडर रिसीवर को भी सेंड कर सकता है और ये भी इसको कुछ सेंड कर सकता है, दोनों साइड कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही आदमी सेंड करेगा। जैसे कि वॉकी टॉकी है, वॉकी टॉकी में सिर्फ एक आदमी ही एक बार में बोल सकता है, फिर वो कहेगा ओवर, तो इसके बाद में ये बोलना स्टार्ट करेगा, फिर ये कहेगा ओवर, तो ये बोलना स्टार्ट करेगा। लेकिन सिंप्लेक्स किस तरह से है, सिंप्लेक्स ऐसे हैं जैसे कि टीवी टेलीविज़न का और आपका कम्युनिकेशन। टेलीविज़न आप आपको कुछ दिखा रहा है, आपको कुछ ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन आप टेलीविज़न को कुछ ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो। ओके, सो ये है टेलीविज़न कम्युनिकेशन लाइक दिस। और रेडियो कम्युनिकेशन, जब आप नॉर्मली रेडियो रेडियो सुनते हो तो वहाँ पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि सिर्फ एक आदमी बोल रहा है, वो है रेडियो। हाफ डुप्लेक्स में दोनों लोग बोल सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही लोग बोलेंगे। फुल डुप्लेक्स जो है वो टेलीफोन, आपके फ़ोन कॉल की तरह है, जैसे मोबाइल पे आप बात करते हो, मतलब कम्युनिकेशन दोनों साइड हो सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ, वो भी बोल सकता है, और हम दोनों एक टाइम पे भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे बताओगे कीबोर्ड इन्वॉल्व्स व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन, कीबोर्ड से डेटा क्या होगा, कीबोर्ड में और कंप्यूटर में डेटा किस ट्रांसमिशन मोड के थ्रू होगा। आपको अगर याद हो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब कीबोर्ड हमेशा कुछ डेटा कंप्यूटर को ही तो सेंड करेगा ना, ऐसा थोड़ा ना होगा कंप्यूटर कीबोर्ड को कुछ सेंड कर सकता है, कंप्यूटर कीबोर्ड को कोई कमांड कर सकता है, नहीं कर सकता है, सिर्फ कीबोर्ड ही कंप्यूटर को कुछ सेंड कर सकता है। आप कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करोगे, वो जाएगी सीपीयू के पास में, उसका मीनिंग, उसका ASCII कोड, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिए जाएंगे। कभी सीपीयू जो है कीबोर्ड पे को कुछ भेज थोड़ा नहीं सकता है, कीबोर्ड के पास में ना तो बफर है, ना उसके पास में कोई स्क्रीन है कि वो कुछ शो करेगा। तो कीबोर्ड सिर्फ कम्युनिकेशन एक साइड हो रहा है, यानी कि कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ, कभी भी कंप्यूटर से कीबोर्ड की तरफ कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन एक साइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन इज नोन एज रूल्स प्रोटोकॉल्स। ओके, सेट ऑफ रूल्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास में, हर एक लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम TCP UDP यूज़ करते हैं, ओके, नेटवर्क लेयर पे हम IP यूज़ करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके बाद में डेटा लिंक लेयर पे हम PPP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो वो सब प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वो सेट ऑफ रूल्स है कि दो एंटिटीज़ आपस में कम्युनिकेट कैसे करेगी, वो रूल्स डिफाइन किए गए हैं। जैसे अगर लेट्स से दो बिजनेसमैन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनका एक प्रोटोकॉल है प्रॉपर, कि पहले वो एक दूसरे को हेलो बोलेंगे, उसके बाद में हाथ मिलाएंगे, देन दे विल ग्रीट ईच अदर, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ ऐसे ऐसे फॉर्मली आपको मिलना है, ये सारे रूल्स हैं। तो आपको अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, उसका भी कुछ बहुत एक प्रोटोकॉल है, प्रॉपर प्रोटोकॉल है, आपको वो फॉलो करना होगा। वो प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि वो रूल्स हैं, तो सेट ऑफ रूल्स को ही हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट व्हेन कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स सीम्स अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट, देन इट इज कॉल्ड व्हाट। तो ये कह रहा है कि जब आप कोई सर्विस यूज कर रहे हो इंटरनेट कंप्यूटर पे, और आपको लग रहा है कि वो सर्विस एक सिंगल कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में इंटरनली वो सर्वर, उस सर्वर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आप कुछ, अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो आपका कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता है, आपके पास में इनफ रिसोर्सेज नहीं है, तो आप क्या करते हो, एक क्लाउड खरीद लेते हो और वहाँ पे उसको एज ए सैस यूज़ करते हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो अब उस केस में क्या होगा, एक्चुअल में इंटरनली जिसने, जैसे अमेज़न ने क्लाउड को इंप्लीमेंट किया हुआ है और वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक्चुअल में क्लाउड आपको लग रहा है कि मेरी जो मुझे डेटा मिल रहा है या फिर जो मुझे सर्विसेज मिल रही है, वो सिंगल कंप्यूटर से मिल रही है, लेकिन इंटरनली वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मीन्स जो कंप्यूटेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलकर उस कंप्यूटेशन को कर रहे हैं। तो ये आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, वो सब चीज़ें आपसे ट्रांसपेरेंट हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ मिलके कोई कंप्यूटेशन कर रहे हैं, और जिसको जिसके लिए वो कंप्यूटेशन कर रहे हैं उसको लग रहा है कि एक सिंगल कंप्यूटर उस कंप्यूटेशन को कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद अ प्रोसेस इन अदर डिवाइस। अ प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेस, PID ऑफ द प्रोसेस रनिंग ऑन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस आर सेम। ओके, सो टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में सबसे पहली बात यही बताई थी, अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद अ डिवाइस इन अनदर डिवाइस, विद अ प्रोसेस इन अदर डिवाइस। अगर दो प्रोसेस हैं और वो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हैं, तो अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, तो हम बोलते हैं वो नेटवर्क में है, एक ही नेटवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 6, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर
व्हाट आर द नोड्स इन कंप्यूटर नेटवर्क. नोड्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम. अगर आप नोड की बात करो तो नोड एक ही बहुत ही जनरलाइज टर्म है, और ये नोड्स का मतलब ये है कि ये मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, ये प्रिंटर भी हो सकता है, ये राउटर भी हो सकता है, ये स्विच भी हो सकता है, कि जो भी नेटवर्किंग डिवाइस हैं, जो भी नेटवर्क के अंदर यूज़ हो रहे हैं, वो सब चीज़ें नोड्स हैं. ओके. ए द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट रूट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा, ये सब के सब नोड्स हैं. ओके. डी इज़ द ऑप्शन ऑल ऑफ द मेंशनड अबव. ये सब के सब क्या है, नोड्स हैं. कोई कंप्यूटर जो डेटा जनरेट कर रहा है, या फिर कोई जो राउटर है वो डेटा को रूट कर रहा है. ओके. और द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा, जो कंप्यूटर डेटा को रिसीव कर रहा है, वो सब के सब एक नेटवर्क के अंदर नोड्स हैं. एक नेटवर्क के अंदर हर एक चीज़ नोड है, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम हो, या फिर आपका कोई भी हब भी हो, वो सब क्या हैं, नोड्स हैं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट. तो राउटिंग कौन करता है, राउटिंग करता है राउटर, और ये राउटिंग जो फंक्शनैलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्किंग लेयर की. ओके. नेटवर्क लेयर पे हम राउटिंग करते हैं, और राउटिंग के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उस डिवाइस का नाम है राउटर. इसीलिए राउटर को बोलते हैं कि वो नेटवर्क लेयर डिवाइस है. तो राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल होगी, जिसके अकॉर्डिंगली वो रूट करेगा. कोई भी पैकेट आएगा राउटर के पास में, और पैकेट पे पड़ा हुआ होगा डेस्टिनेशन एड्रेस. उस डेस्टिनेशन एड्रेस के अकॉर्डिंगली राउटर अपनी टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल, और बता देगा कि इस आईपी एड्रेस से अगर कोई पैकेट आया तो वो कौन सी लिंक पे जाना है. तो ये राउटर डिसाइड करेगा राउटिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू. राउटिंग एल्गोरिथम्स यूज करेंगी राउटिंग टेबल जो कि राउटर के अंदर स्टोर्ड है. क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ लेयर्स इन इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक इज व्हाट. ये कह रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक, आपके पास में दो तरह के स्टैक्स हैं, एक है ISOSI और एक है TCP/IP. तो जब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है TCP/IP की. ओके. तो TCP/IP में 5 लेयर्स हैं, क्योंकि हमने जो दो लेयर्स हैं एक्स्ट्रा, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर, वो TCP/IP में रिमूव कर दिए हैं. रिमूव नहीं की है एक्चुअल में, उनकी फंक्शनैलिटीज हमने एप्लीकेशन लेयर में इंप्लीमेंट कर दिए. तो अगर यहाँ पे होता कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ISOSI, देन वी हैव 7 लेयर्स. ओके. बट इन TCP/IP वी हैव रिमूव 2 लेयर्स. क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO/OSI रेफरेंस मॉडल इज हाउ मेनी, 7. क्वेश्चन नंबर 10, दिस लेयर इज एन एडिशन टू OSI मॉडल. ओके. OSI मॉडल में कौन कौन सी लेयर एक्स्ट्रा हैं, जो कि दिस इज सेइंग दिस लेयर इज एन एडिशन टू OSI मॉडल. OSI मॉडल में दो लेयर्स ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा हैं, और वो दो लेयर्स है प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, विच मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी. ये दो लेयर्स नई हैं OSI मॉडल के अंदर. तो अभी बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, और ये डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन छोटे छोटे जो एग्जाम्स हैं, जैसे आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम हो गया बैंक का, उसमें ये क्वेश्चन ही पूछते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं एग्जाम्स में, जैसे DSSB हो गया, PGT हो गया, TGT हो गया, इनमें बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं. तो ये सारे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही सूटेबल हैं. और अगर आप इन क्वेश्चन को देख रहे हो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, तो इनको अंडर एस्टिमेट ना करें, ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन हैं. और जो चीज़ बहुत ही ऑब्वियस होती है वो कभी कभी दिमाग में नहीं रहती, उनको आप भूल जाते हो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से. तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और 10 सेकंड में उसको दिमाग में उसका सॉल्यूशन देख लेना है कि हाँ कैसे चीज़ हुई है. क्वेश्चन नंबर 11, एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन वॉट, एंड सिस्टम्स NIC और इथरनेट. इथरनेट में हम डेटा लिंक लेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं, NIC में हम फिजिकल लेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं, और एंड सिस्टम जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर हम दो लेयर्स इम्प्लीमेंट करते हैं, एक है एप्लीकेशन लेयर और एक है ट्रांसपोर्ट लेयर. एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर जो होगी वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है. ओके. जैसे मैंने अभी बात की थी, एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें एक हॉस्टल था, और हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट थे एंड वार्डन था. तो अगर आपने ध्यान से दिया हो तो वार्डन जो है वो हॉस्टल का ही पार्ट है. हॉस्टल क्या है, कंप्यूटर सिस्टम, और जो उसके अंदर जो वो लेटर्स लिख रहे हैं वो सब एप्लीकेशन हैं, वो एप्लीकेशन लेयर यूज़ कर रहे हैं. लेकिन एप्लीकेशन लेयर भी कहाँ है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. ट्रांसपोर्ट लेयर यानी कि वार्डन कहाँ है, आपके घर के अंदर यानी कि हॉस्टल के अंदर. इसलिए हम कहते हैं कि एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सिस्टम के अंदर होती है. ट्रांसपोर्ट लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन एंड सिस्टम, जैसे मैंने अभी बताया. OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ओके. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन.
Question number 14. The OSI model has, we have already solved this question. We have 7 layers in OSI model. Question number 15. Which layer is responsible for process to process delivery? Okay, process to process delivery. Okay, अगर आपको ध्यान हो वो स्टूडेंट वाला एग्जांपल और वार्डन वाला एग्जांपल जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था. प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कौन कर रहा है, होम टू होम डिलीवरी कौन करता है, हाउस टू हाउस डिलीवरी यानी कि हॉस्टल टू हॉस्टल डिलीवरी या कह सकते हो कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, और कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिलीवरी करता है नेटवर्क लेयर. अब उस कंप्यूटर के अंदर या उस हॉस्टल के अंदर वो लेटर किसको डिलीवर करना है, यानी कि उस कंप्यूटर के अंदर वो डेटा किस प्रोसेस को डिलीवर करना है, ये डिसाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि हॉस्टल के अंदर जो वार्डन है. प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ये करता है ट्रांसपोर्ट लेयर. विच एड्रेस आइडेंटिफाइज अ प्रोसेस ऑन ए होस्ट. प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा एड्रेस यूज करते हैं. अगर मुझे होस्ट को आइडेंटिफाई करना है, होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यूज करता हूँ फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस, दैट इज आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस. उस कंप्यूटर के अंदर कौन सी प्रोसेस है, उस कंप्यूटर के अंदर किसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या यूज करता हूँ, पोर्ट एड्रेस. हर एक नेटवर्क प्रोसेस के अंदर हर एक नेटवर्क प्रोसेस का एक यूनिक पोर्ट नंबर होगा. कुछ पोर्ट नंबर रिजर्व्ड हैं और कुछ अनरिजर्व्ड हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इनिशियली जो 1024 पोर्ट नंबर्स हैं वो सब रिजर्व्ड हैं. जैसे कि जो वेब ब्राउजर है HTTP प्रोटोकॉल पे काम करता है, उसका पोर्ट नंबर है 80. SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो ईमेल सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसका पोर्ट नंबर है 25. तो इस तरह से कुछ प्रोटोकॉल्स जो कुछ पोर्ट नंबर जो हैं वो पहले से ही रिजर्व्ड हैं. Which address identifies a process on a host? This is the repeated question. Question number 18. The physical layer concerns with what? Physical layer का main काम क्या है? Physical layer क्यों निकली की गई है हमने? Physical layer का काम है bit by bit delivery. Okay, अगर आपने ध्यान दिया initially जब हमने stack के layers को discuss किया था, तो सबसे last में एक layer थी physical layer. तो आपका इनिशियली जो यूज़र था, यूज़र ने मैसेज क्रिएट किया, लेकिन वो फिजिकल लेयर तक पहुंचते पहुंचते वो फ्रेम्स की फॉर्म में और फ्रेम से बिट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. यानी कि पहले वो मैसेज जो था वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ, सेगमेंट से वो फिर पैकेट्स में कन्वर्ट हुआ, पैकेट्स से वो फ्रेम्स में कन्वर्ट हुआ, और फ्रेम जो है फ्रेम को हमने रॉ बिट्स की फॉर्म में डिलीवर फाइनली आपकी वायरिंग के थ्रू बिट बाय बिट उसको डिलीवर किया. बिट बाय बिट डिलीवरी करता है फिजिकल लेयर, और पैकेट बाय पैकेट डिलीवरी करता है नेटवर्क लेयर, और सेगमेंट टू सेगमेंट डिलीवरी करता है ट्रांसपोर्ट लेयर. प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर. द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट्स फ्रॉम विच लेयर एंड इनकैप्सुलेट्स देम इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन. डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट्स फ्रॉम विच लेयर. पैकेट्स, अब डेटा हमने बात की थी, अगर मैं लेयरिंग की बात करूँ तो ये स्टार्टिंग में है एप्लीकेशन लेयर, और फिर है TCP/IP की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर, ये TCP/IP है, फिर है नेटवर्क लेयर, और फिर है डेटा लिंक लेयर, और फाइनली फिजिकल लेयर. तो जो एप्लीकेशन लेयर होगी वो मैसेज देगी ट्रांसपोर्ट लेयर को, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी इनकैप्सुलेट करेगी मैसेज को. ट्रांसपोर्ट लेयर इनकैप्सुलेट करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम क्या यूज़ करते हैं, सेगमेंट्स. सेगमेंट इनकैप्सुलेट करते हैं मैसेज को, और फिर ये सेगमेंट्स फाइनली डिलीवर होंगे नेटवर्क लेयर को. नेटवर्क लेयर क्या करेगी, सेगमेंट्स को पैकेट्स में डिलीवर कर पैकेट्स में डिवाइड कर देगी. इसका मतलब क्या है कि पैकेट्स इनकैप्सुलेट द सेगमेंट्स. फाइनली अब नेटवर्क लेयर से जो पैकेट्स होंगे वो डेटा लिंक लेयर के पास जाएंगे, और डेटा लिंक लेयर पे वो फ्रेम्स में डिवाइड होंगे. इसका मतलब क्या है कि फ्रेम्स इनकैप्सुलेट द पैकेट्स, और बिट्स इनकैप्सुलेट्स द फ्रेम्स. फिजिकल लेयर पे वो फ्रेम्स जो हैं वो बिट्स की फॉर्म में डिलीवर कन्वर्ट हो जाएंगे. तो डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट्स फ्रॉम कहाँ से, डेटा लिंक लेयर पैकेट कहाँ से ले रही है, नेटवर्क लेयर से, एंड इनकैप्सुलेट्स इन देम इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन. सो अगर मैं बात करूँ कि नेटवर्क लेयर पैकेट्स सेगमेंट्स कहाँ से ले रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर से. ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज कहाँ से ले रही है, एप्लीकेशन लेयर से. सो अपर लेयर यूज़ कर रही है, जैसे कोई भी लेयर है, अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन, हर एक लेयर, उससे नीचे की जो लेयर्स हैं उसके नीचे की लेयर अपने से ऊपर की लेयर को कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है. जैसे नेटवर्क लेयर है वो फ्रेगमेंटेशन और उन सेगमेंट्स की राउटिंग, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपर लेयर को. तो हर एक लोअर लेयर अपनी अपर लेयर को कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है.
Question number 20. Which one of the following task is not done by data link layer? डेटा लिंक लेयर की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे फ्रेमिंग करना. फ्रेमिंग मतलब क्या है कि पैकेट्स को फ्रेम्स में डिवाइड कर देना, जैसे एरर कंट्रोल हो गया, लोकल एरर कंट्रोल, लोकल फ्लो कंट्रोल. तो ये तीनों की तीनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डेटा लिंक लेयर की, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर की है. चैनल कोडिंग, ओके, जिसमें हम यूज़ करते हैं मैनचेस्टर इनकोडिंग, डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग, तो वो सब इनकोडिंग जो काम है वो है फिजिकल लेयर का. और ये तीनों की तीनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डेटा लिंक लेयर की, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल. क्वेश्चन नंबर 21. हेडर ऑफ ए फ्रेम जनरली कंटेंस व्हाट? फ्रेम के हेडर में क्या होगा? तो अगर तुम आपको याद हो, सेगमेंट के हेडर में था सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर. नेटवर्क लेयर के हेडर में था सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस. डेटा लिंक लेयर के हेडर में है सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. यानी कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स. ये सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स किस लिए है? जो ये बताएगी कि कौन सा फ्रेम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कौन कहाँ पे एंड हो रहा है. एक फ्रेम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है. एड्रेसेस यानी कि मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, फ्रेम का आइडेंटिफायर. तो ये सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं हम कहाँ पे? फ्रेम के हेडर में. तो ऑल ऑफ दी मेंशन्ड अबव. सीआरसी स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और ये एक एरर करेक्शन टेक्निक है. एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा लिंक लेयर में, हम सीआरसी यूज़ करते हैं एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन के लिए, यानी कि एरर हैंडलिंग के लिए. क्वेश्चन नंबर 23. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस कंट्रोल? ओके, तो जब आपके पास में एक चैनल है और मल्टीपल स्टेशंस हैं, मल्टीपल स्टेशंस सिंगल चैनल को यूज़ कर रहे हैं, ओके, ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को समझते हैं. ये स्टेशंस हैं और कह सकते हो कि होस्ट हैं, ओके, ये सब होस्ट हैं और ये सब एक शेयर्ड मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ओके, शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडिया. ये एक सिंगल मीडिया है, सिंगल ट्रांसमिशन मीडिया है जिसको ये सारे के सारे एक्सेस कर रहे हैं. इसको बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल. मल्टीपल एक्सेस हो रहा है सिंगल मीडिया पे. तो क्या होगा अगर दो एक से ज़्यादा होस्ट एक साथ डेटा सेंड कर दें, इसने भी डेटा सेंड कर दिया और इसने भी डेटा सेंड कर दिया, तो उनका डेटा जो है वो कोलाइड कर जाएगा. इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम कुछ प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, CSMA/CD एंड CSMA/CA. कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन एंड कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन. तो हम ये दो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं. इसमें क्या होगा, कोई भी होस्ट, कोई भी स्टेशन डेटा सेंड करने से पहले इस मीडियम को चेक करेगा, ओके, इस मीडिया को, इस चैनल को चेक करेगा कि कहीं कोई और तो सेंड नहीं कर रहा है. अगर कोई और सेंड कर रहा होगा, यानी कि अगर इस चैनल पे पहले से कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा होगा, तो ये वेट करेगा. अगर इसने देखा कि आइडल है, चैनल आइडल है, तो अपना डेटा सेंड कर देगा. तो ये सब, ये दो प्रोटोकॉल्स इस तरह से काम करते हैं. तो बोथ ए एंड बी द आंसर, दैट इज सी. द नेटवर्क लेयर कंसर्न्स विद पैकेट्स. दैट नेटवर्क लेयर पे हम बात करते हैं पैकेट्स की, डेटा लिंक लेयर पे बात करते हैं फ्रेम्स की, एंड फिजिकल लेयर पे बात करते हैं बिट्स की. तो बात कर रहा है नेटवर्क लेयर की. द 4-byte आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? मैंने बताया था कि आईपी एड्रेस की बात की थी, और 4-byte का मतलब ये क्या है? 4-byte आईपी एड्रेस का मतलब ये कि वो IPv4 है. IPv4 मतलब क्या है कि वो 32-bit का है. तो आईपी एड्रेस के दो, एक्चुअल में दो वर्जन से हमारे पास में, IPv4 एंड IPv6. IPv6 थोड़ा बड़ा है, वो है 128 bits का, यानी कि 16-byte का. और जो आपका IPv4 है वो 4-byte का है. तो ये 4-byte आईपी एड्रेस की बात कर रहा है. और आईपी एड्रेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, नेट आईडी एंड होस्ट आईडी. पूरा आईपी एड्रेस है 32-bit का, या 4-byte बोल सकते हो. तो क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने इस आईपी एड्रेस को, अगर हम क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग की बात करें, तो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग में हमने नेट आईडी, होस्ट आईडी के अलग अलग नंबर ऑफ बिट्स असाइन की हुई है अकॉर्डिंग टू द क्लास. अगर क्लास ए की बात करूँ तो उसमें 8-bit की नेट आईडी है, 24 bits की होस्ट आईडी है. क्लास बी में 16-bit की नेट आईडी है, 16-bit की होस्ट आईडी है. क्लास सी में 24 bits की नेट आईडी है और 8-bit की होस्ट आईडी है. तो आईपी एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड है. एक है नेटवर्क आईडी, जो नेटवर्क आइडेंटिफायर है, जो बताएगा कि कौन से नेटवर्क में जाना है पैकेट. अरे, और एक है होस्ट आईडी. होस्ट आईडी ये बताएगी कि उस नेटवर्क के अंदर कौन से होस्ट को डिलीवर करना है वो पैकेट. तो नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, दोनों चीज़ होगी कहाँ पे? आईपी एड्रेस के अंदर, IPv4 एड्रेस के अंदर. तो सी इज द आंसर, बोथ ए एंड बी.
Question number 26. Which one of the following routing algorithm can be used for network layer design? Okay, इनमें से कौन सी routing algorithm हम use कर सकते हैं network layer design का? Network layer की responsibility है routing. Routing के लिए हम use करते हैं routing algorithms. और routing algorithm है हमारे पास में तीन. Shortest path algorithm, distance vector routing and link state routing. ये तीनों routing algorithms है. Depend करता है कि routing किस तरह की है. Inter network routing है या फिर intra network routing है. इंटर नेटवर्क राउटिंग का मतलब है कि राउटिंग आउटसाइड द नेटवर्क होनी है, यानी कि जो आप पैकेट सेंड कर रहे हो वो नेटवर्क के जिस सिस्टम को आप वो पैकेट सेंड कर रहे हो वो आउटसाइड द आपके नेटवर्क है. मतलब मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से आपके पास में एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है ए, ठीक है, यह नेटवर्क ए और एक और नेटवर्क है आपके पास में और यह है नेटवर्क बी. इसके अंदर बहुत सारे होस्ट हैं. ओके, लेट्स से एच वन, H2, H3, H4 और ये सब एक राउटर से कनेक्टेड हैं. ओके, फिर उसके बाद में क्या है, ये राउटर किसी दूसरे राउटर से कनेक्टेड है यहाँ पे और ये राउटर एक और राउटर से कनेक्टेड है जो दूसरे नेटवर्क के राउटर को कनेक्ट कर रहा है और फिर यहाँ पे कई सारे होस्ट हैं H1, H2, H3, H4. तो ये सब आपस में कनेक्टेड है एक राउटर से लाइक दिस. ओके, दिस इज अ वेरी रफ डायग्राम. अगर इस होस्ट को पैकेट सेंड करना है विद इन दिस नेटवर्क, इसी नेटवर्क के अंदर किसी होस्ट, यानी कि H1 को, H2, H3 या फिर H4 को किसी को सेंड करना है, तो आप इंट्रा नेटवर्क राउटिंग यूज करोगे. ओके, अगर आपको इस होस्ट H1 को पैकेट सेंड करना है दूसरे नेटवर्क के होस्ट को, देन आपको यूज करनी पड़ेगी इंटर नेटवर्क राउटिंग. तो OSPF है आपके पास में, बॉर्डर गेटवे राउटिंग है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल BGP, ये हम यूज़ करते हैं इंटर नेटवर्क राउटिंग के लिए. OSPF है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, इसको हम यूज़ करते हैं इंट्रा नेटवर्क राउटिंग के लिए. तो इनमें से कुछ राउटिंग एल्गोरिथम इंटर नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं. ओके, ये सब राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं. तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द नेटवर्क लेयर डिज़ाइन. Question number 27. A subset of a network that includes all the routers but contains no loops is called what? तो simple ऐसी बात कर रहा है कि हमारे पास में graph है, उस graph में बहुत सारे routers हैं. Okay, router का sign जो होगा, router का sign ये है, ये है router का sign, अगर आपको किसी computer network में show करना है. तो ऐसे कई सारे computer network, कई सारे routers हैं जो आपस में connected हैं. उन routers को जो आपस में connected हैं उनको हम बोलते हैं sub network. Okay, ये सब routers हैं और ये आपस में कनेक्टेड है और इनमें जब जो कनेक्शन है उसमें साइकिल नहीं है. ओके, ऐसे मान लो ये ग्राफ्स हैं और जो नोड हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं राउटर को और जो एज है वो उनके बीच में कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब उनके बीच में लूप नहीं है तो आप ध्यान से देखो, उसको हम ट्री बोलते हैं और वो ट्री है स्पैनिंग ट्री. ओके, तो हम राउटर्स का जो सबनेट होगा उस सबनेट में कोशिश करते हैं कि वो सबनेट जो है वो स्पैनिंग ट्री की फॉर्म में हो, यानी कि उसमें लूप्स ना हो. अगर लूप हो गया तो क्या होगा, आपका पैकेट लूप कर सकता है विद इन द नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 28. ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग इट टू व्हाट विच लेयर. तो अगर आपको याद हो जो पोस्ट ऑफिस का, जो मैंने एक हॉस्टल का, वार्डन का और पोस्टमैन का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस. मतलब क्या है कि जो वार्डन था वो डिफरेंट एप्लीकेशन से, यानी कि डिफरेंट स्टूडेंट से डेटा एग्रीगेट कर रहा था, यानी कि उन सबके लेटर्स को इकट्ठा कर रहा था और सारे लेटर्स इकट्ठे करने के बाद में किसको दे रहा था, पोस्टमैन को दे रहा था, इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग इट टू नेटवर्क लेयर. जो पोस्टमैन था वो कैसे काम कर रहा था, वो काम कर रहा था नेटवर्क लेयर के थ्रू, क्योंकि उसका काम था पैकेट्स को लेके जाना, क्योंकि यानी कि आपके जो लेटर्स हैं उनको लेके जाना. तो वहाँ पे वार्डन जो स्टूडेंट थे वो काम कर रहे थे एप्लीकेशन लेयर का, जो वार्डन था वो काम कर रहा था ट्रांसपोर्ट लेयर का और जो पोस्टमैन था वो था नेटवर्क लेयर और जो पोस्ट ऑफिस थे वो थे राउटर्स, जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि रूट क्या होगा पैकेट का. क्वेश्चन नंबर 29. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट. ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, सो TCP एंड UDP दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ही हैं और हम यूज करते हैं TCP लेयर में. ये डिपेंड करता है कि हम TCP कहाँ यूज़ करेंगे और UDP कहाँ यूज़ करेंगे. जहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्वालिटी की, यानी कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है रियल टाइम मीडिया की, यानी कि आपको
रियल टाइम में कम्युनिकेशन करना है. आप कंसर्न नहीं हो कि आपका पैकेट लॉस हो या ना हो, लेकिन आपको डेटा रियल टाइम में चाहिए. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूडीपी. फॉर एग्जांपल वीडियो कॉलिंग के लिए इन सब की चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूडीपी. यूडीपी को हम बोलते हैं कि अनरिलायबल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है. अनरिलायबल कनेक्शन लेस, अनरिलायबल का मतलब ये है कि गारंटी नहीं है कि आपका पैकेट जाएगा, पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जो रिसीवर है वो कोई आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा पैकेट को आने के बाद में. आपने कोई पैकेट सेंड किया, रिसीवर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा आपको, इसलिए इसको बोलते हैं अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, गारंटी नहीं है. कनेक्शन लेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोई भी किसी भी एंटिटी को डेटा सेंड करने से पहले उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करेगा. जबकि टीसीपी की बात करें तो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल प्रोटोकॉल है. इसका मतलब यह है कि टीसीपी पहले थ्री वे हैंड शेकिंग के थ्रू एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा रिसीवर के साथ में, उसके बाद में डेटा सेंड करना स्टार्ट करेगा. जब डेटा सेंड हो रहा होगा तो हर एक सेगमेंट के बाद में आपके पास में एक्नॉलेजमेंट आएगा कि ये सेगमेंट रिसीव हो चुका है, इसीलिए इसको रिलायबल बोल रहे हैं. यानी कि गारंटी है कि डेटा आपका रिसीव होगा ही होगा. गारंटी कैसे है कि अगर किसी भी पैकेट का आपके पास में एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो आप समझोगे कि जो सेगमेंट था वो लॉस हो गया, इसलिए आप उस सेगमेंट को रिट्रांसमिट करोगे. इसलिए इसको बोल रहे हैं कि गारंटीड पैकेट डिलीवरी करता है, गारंटीड सेगमेंट डिलीवरी. तो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल प्रोटोकॉल है और यूडीपी कनेक्शन लेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, और दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. यूजेस, ये सही है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल तो है ही, रिलायबल भी है. यूजेस अ थ्री वे हैंडशेक टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन. जैसे मैंने अभी बताया, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब यही है कि पहले आप थ्री वे हैंडशेकिंग के थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश करोगे. सी रिसीव्स डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम. ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सिंगल स्ट्रीम में डेटा रिसीव करेगा. तो ऑल ऑफ द मेंशनड अबव आर करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 31, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डील्स विद एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन. ये काम है एप्लीकेशन लेयर का. प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का. नोड टू नोड कम्युनिकेशन, यानी कि होस्टल टू होस्टल कम्युनिकेशन आपके एग्जाम्पल में, या फिर कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ये काम है नेटवर्क लेयर का. तो ये पूछ रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में. तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर. तो दिस इज नॉट ए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, हमें पता है कि HTTP हम ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है. SMTP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है क्योंकि एक एप्लीकेशन है ईमेलिंग, और ईमेलिंग का यूज़ करते हैं SMTP. FTP यूज़ करते हैं डाउनलोडिंग के लिए, और ये भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है. TCP ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है. सो दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज आस्किंग नॉट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड वॉट. एप्लीकेशन लेयर पे हम इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मैसेज. ओके, एप्लीकेशन लेयर पे बोलते हैं मैसेज, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे बोलते हैं सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पे बोलते हैं पैकेट, और डेटा लिंक लेयर पे बोलते हैं फ्रेम्स. तो पैकेट बोलते हैं हम नेटवर्क लेयर पे, मैसेज बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, सेगमेंट्स बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और फ्रेम्स डेटा लिंक लेयर. तो दिस इज आस्किंग अबाउट द एप्लीकेशन लेयर. सो ऑप्शन बी इज आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस. नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, ये हम यूज करते हैं टेलनेट के थ्रू. अगर आपको कोई भी कंप्यूटर रिमोटली एक्सेस करना है, ओके, तो आप यूज करते हो टेलनेट प्रोटोकॉल. तो टेलनेट जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है. दिस इज ओके. फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट, ये भी एप्लीकेशन लेयर पे होगा. मेल सर्विस, ये भी एप्लीकेशन लेयर पे होगा. इसका मतलब ऑल ऑफ द मेंशनड अबव आर द एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज. इसके लिए हम यूज करते हैं SMTP, इसके लिए हम यूज करते हैं FTP, और हमें पता है कि टेलनेट, FTP एंड SMTP तीनों की तीनों एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं. टू डिलीवर अ मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन ए होस्ट विच एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड. ये पूछ रहा है कि जो आपका मैसेज आया है वो एप्लीकेशन, कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम को देना है, यानी कि कौन सी प्रोसेस को देना है, कौन सी प्रोसेस को डिलीवर करना है जो कंप्यूटर के अंदर रनिंग ऑन ए कंप्यूटर. ऐसे ही है जैसे ये पूछ रहा हो कि जो आप लेटर्स आए हैं वो लेटर्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लेटर किसको देना है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, नाम के थ्रू. ओके, हॉस्टल के अंदर नाम और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पोर्ट नंबर. तो अगर प्रोसेस आइडेंटिफाई करनी है तो आप यूज़ करोगे पोर्ट नंबर.
कंप्यूटर सिस्टम आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको होस्ट आइडेंटिफाई करना है तो आप यूज करोगे आईपी एड्रेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रॉनिक मेल यूजेस दिस एप्लीकेशन ए प्रोटोकॉल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए हम यूज करते हैं एसएमटीपी। एक्चुअल में मेलिंग के लिए हम तीन प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एसएमटीपी, पीओपी एंड आईमैप। पीओपी एंड आईमैप जो प्रोटोकॉल है वो हम ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि ईमेल को रिट्रीव करने के लिए सर्वर से। और एसएमटीपी हम यूज करते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए, यानी कि जब ईमेल जाएगा क्लाइंट से मेल सर्वर के पास में एंड मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर के पास में, इस फॉर्म में क्या हो रहा होगा, एसएमटीपी यूज कर रहा होगा जब भी मेल आप पुश कर रहे हो। इसीलिए एसएमटीपी को हम पुश प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, क्योंकि एसएमटीपी क्या करता है, पहले क्लाइंट से ईमेल लेगा और ईमेल सर्वर पे पुश कर देगा, यानी कि ईमेल सर्वर पे डाल देगा, उसके बाद ईमेल सर्वर जो है वो दूसरे ईमेल सर्वर के ऊपर डाल देगा, यानी कि पुश कर देगा वहाँ पे। और जो पीओपी एंड आईमैप प्रोटोकॉल है वो ईमेल रिसीव करने के लिए, यानी कि ईमेल रिट्रीव करने के लिए, यानी कि ईमेल पॉप करने के लिए है नेट ईमेल सर्वर से, तो इसीलिए उसको पुल प्रोटोकॉल बोलते हैं। एसएमटीपी को पुश प्रोटोकॉल बोलते हैं एंड पीओपी एंड आईमैप प्रोटोकॉल को हम पुल प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द विच ट्रांसलेट्स इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम्स इनटू आईपी एड्रेस। ओके, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, एक प्रोटोकॉल होगा डीएनएस। जैसे ही आप अपनी कंप्यूटर सिस्टम पे ब्राउजर का यूज करके google.com टाइप करते हो, सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट google.com के पास नहीं जाएगी, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वो आईपी एड्रेस के थ्रू होगा, इसलिए हम आपको आईपी एड्रेस की जरूरत है। आप google.com को लेके जाएंगे डीएनएस सर्वर के पास में, फिर लोकल डीएनएस आपको रिप्लाई करेगा आईपी एड्रेस के पास साथ। अब आईपी एड्रेस से आप google.com के सर्वर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नाम से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हो किसी भी सर्वर से आप, क्योंकि इंटरनेट पे सिर्फ आईपी एड्रेसेस हैं। ओके, तो दैट जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा है वह है डोमेन नेम सिस्टम, दैट इज डीएनएस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिलीवर्स और स्टोर्स मेल टू रिसीवर सर्वर। ओके, इनमें से कौन सा रिसीवर के सर्वर पे मेल रिसीव करता है, यानी कि स्टोर करता है। तो अगर आप ईमेलिंग की बात करो तो ईमेल जब आपको ईमेल सेंड करते हो तो वो कैसे जाएगा, यहाँ से आपका लेट से यह है सेंडर और आपकी ईमेल आईडी है abc@gmail.com, ठीक है, और आपने ईमेल भेजा है, यह है सेंडर, और आपने रिसीवर की जो ईमेल आईडी है वो है xyz@yahoomail.com, ठीक है, दोनों डिफरेंट ईमेल सर्वर पे हैं। तो इनिशियली आपका जो ईमेल होगा वो जाएगा गूगल के सर्वर के पास में, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी गूगल पे है, तो जीमेल के सर्वर के पास जाएगा, फिर जीमेल के सर्वर से वो मेल जाएगा याहू के सर्वर पे, यानी कि याहू मेल सर्वर पे, फिर याहू मेल सर्वर से जो रिसीवर होगा वो रिट्रीव कर लेगा। ये है रिसीवर अपना ईमेल मेल बॉक्स ओपन करेगा, उसको दिख जाएगा कि एक नया मेल आया है। तो ये जो हो रहा है, ये जो रिसीवर मेल यहाँ से ईमेल को एक्सेस कर रहा है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पीओपी एंड आईमैप प्रोटोकॉल। और जब हम मेल को सेंड कर रहे हैं तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल। एसएमटीपी क्लाइंट से मेल सर्वर की तरफ या फिर मेल सर्वर से मेल सर्वर की तरफ जो ईमेल लेके जाएगा वो एसएमटीपी लेके जाएगा। ये बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिलीवर्स और स्टोर्स मेल टू रिसीवर सर्वर। रिसीवर सर्वर ये है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, ये है पॉप और ये है आईमैप, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ईमेलिंग में एचटीटीपी का। व्हेन डिस्प्लेइंग अ वेब पेज द एप्लीकेशन यूजेस द एचटीटीपी प्रोटोकॉल। डिस्प्लेइंग अ वेब पेज मींस आप ब्राउजिंग कर रहे हो, ब्राउजिंग के थ्रू तो आप वेब पेज एक्सेस करते हो, और ब्राउजिंग के लिए हम यूज करते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 40, द डिफॉल्ट कनेक्शन टाइप यूज्ड बाय एचटीटीपी इज व्हाट। एचटीटीपी दो तरह के हैं, परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब यह है कि लेट्स से एक आपका वेब पेज है, ओके, एक वेब पेज है ये, और इसके अंदर चार इमेजेस हैं, इसके अंदर एक इमेज वन है, इमेज टू, इमेज थ्री, इमेज फोर एंड एक टेक्स्ट है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपका वेब पेज है एक। तो परसिस्टेंस में क्या होगा, ये सारा का सारा पेज इसके अंदर फाइव एंटिटीज़ हैं, चार इमेजेस हैं और एक टेक्स्ट है, तो पांच एंटिटीज़ हैं इसके अंदर, पांच पार्ट हैं इस वेब पेज के।
तो एक सिंगल कनेक्शन के अंदर ही HTTP एक कनेक्शन बनाएगा, उसके थ्रू एक कनेक्शन के थ्रू ही ये सारे के सारी आइडेंटिटी, सारी की सारी चीज़ें क्लाइंट के पास में डिलीवर हो जाएंगी। यानी कि हर एक एंटिटी के लिए आपको अलग अलग कनेक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। आप एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करोगे क्लाइंट से सर्वर की तरफ, ओके लेट से ये सर्वर है जहाँ पे ये वेब पेज स्टोर्ड है, तो आपने कहा HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करी और आपका HTML पेज आपको मिल गया HTTP रेस्पॉन्स के थ्रू। तो आपके दो क्वेश्चंस हैं, जितने ये जिस सारे के सारे पांच ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हर एक के लिए अलग कनेक्शन खुलेगा सर्वर पे, या फिर सारे के सारे एक कनेक्शन के थ्रू ही आ जाएंगे। एक्चुअल में जो बाय डिफॉल्ट HTTP जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, यानी कि नॉन परसिस्टेंट है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप इसको परसिस्टेंट बना सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक सिंगल कनेक्शन में ला सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो नॉन परसिस्टेंट है। नॉन परसिस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में पांच ऑब्जेक्ट हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, यानी कि पांच ऑब्जेक्ट हैं तो आपको पांच कनेक्शन एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो HTTP बाय डिफॉल्ट द डिफॉल्ट कनेक्शन टाइप इज नॉन परसिस्टेंट। द टाइम टेकन बाय ए पैकेट टू ट्रेवल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड देन बैक टू द क्लाइंट इज कॉल्ड वॉट। मतलब क्या है कि लेट से ये सेंडर है और ये है रिसीवर, और बोल सकते हो कि ये क्लाइंट है और ये है सर्वर। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, फिर यहाँ से वापस आने का टाइम, इसको क्या बोलते हैं? ये है प्रोपेगेशन टाइम और ये है प्रोपेगेशन टाइम आने के लिए जो लगा। तो ये हो गया 2 TPD, एक TPD जाने के लिए और एक TPD आने के लिए, यानी कि ट्रेवलिंग फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड देन बैक टू द क्लाइंट। ओके, एक TPD इसमें लगा और एक TPD इसमें लगा, 2 TPD को ही बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम। ओके, दैट इज बी ऑप्शन। द HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंट इन पार्ट ऑफ थ्री वे हैंडशेक। ओके, थ्री वे हैंडशेक की अगर हम बात करें, लेट से ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, तो अगर आप TCP यूज कर रहे हो तो TCP क्या करता है, कुछ भी डेटा सेंड करने से पहले एक टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा थ्री वे हैंडशेकिंग के थ्रू। इनिशियली क्या होगा, क्लाइंट कहेगा सर्वर को आई वॉन्ट टू इस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद यू, इसका मतलब क्या है कि ये सेंड करेगा सिन पैकेट। ओके, उसके बाद में ये कहेगा ओके मुझे तुम्हारा पैकेट मिल गया है, यानी कि मैं भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, यानी कि सिन का मतलब है कि आई वॉन्ट टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन और मुझे आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट भी मिल गई है। तो ऐसे जैसे आपने कहा किसी को हेलो, दूसरे ने कहा कि हाँ आई है, मैंने तुम्हें सुन लिया है एंड हेलो। तो अब जैसे आप फ़ोन कॉल के थ्रू करते हो, तो फ़ोन कॉल पे आप थ्री वे हैंड चेकिंग करते हो, पहले आप कहते हो हेलो, फिर दूसरे वाला कहता है कि हेलो, देन आप बात करना स्टार्ट करते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये टू वे हो गया। अब थ्री वे क्या होगा, थ्री वे का मतलब ये है कि ओके मुझे भी तुम्हारा कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की मिल गई है, और ये एक्नॉलेजमेंट के साथ में अपना डेटा भी सेंड करना स्टार्ट कर देगा जो उसको सेंड करना था। तो थर्ड वे में ये एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ में अपना डेटा भी सेंड करेगा। द HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंट इन थर्ड वे, थर्ड पार्ट ऑफ द थ्री वे हैंडशेक, ये है थर्ड पार्ट। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द वैल्यूज गेट पोस्ट हेड ETC आर स्पेसिफाइड इन विच पार्ट ऑफ HTTP मैसेज। तो ये सब क्या है, मेथड्स हैं, गेट पोस्ट हेड, ये कहाँ स्पेसिफाइड करते हैं हम HTTP के मैसेज में। तो HTTP के मैसेज का फॉर्मेट ये होगा, पहले मेथड स्पेसिफाई करोगे, फिर URL स्पेसिफाई करोगे, उसके बाद में वर्जन स्पेसिफाई करोगे, फिर हेडर फील्ड का नाम और ये सब चीज़ें हैं। ओके, ये है हेडर लाइंस और ये है रिक्वेस्ट लाइन। तो आप रिक्वेस्ट लाइन में क्या क्या दिखा रहे हो, हेडर मेथड। तो मेथड टाइप जो आप किस टाइप का आप मेथड यूज़ कर रहे हो HTTP रिक्वेस्ट में, ये आप स्पेसिफाई करोगे यहाँ पे। ये HTTP का फॉर्मेट है, HTTP के मैसेज का फॉर्मेट है। तो जैसे आप इन ये देखो, ये एग्जांपल है, आपने दिखाया पोस्ट और यहाँ पे आप URL दिखाओगे, ऑप्शनल है, और ये वर्जन HTTP का, उसके बाद में होस्ट का नाम और उसका पोर्ट नंबर, उसके बाद में कौन सा आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, यूज़र एजेंट मोजिला 5.0 एक्सेप्ट क्या करना है कि एक उस पेज के अंदर जो जो चीज़ें दिखाऊंगी वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें, ये पूरा HTTP के रिक्वेस्ट का एक एग्जांपल है। ओके, तो मेथड आप कहाँ शो कर रहे हो, रिक्वेस्ट लाइन के अंदर। ओके, तो कई सारे पार्ट्स होंगे HTTP के मैसेज के अंदर, रिक्वेस्ट हेडर, जनरल हेडर, एंटिटी हेडर। तो आप रिक्वेस्ट लाइन के अंदर क्या शो कर रहे हो, मेथड नेम।
The first line of HTTP request message is called what? तो first line क्या है? First line है ये. इसको हम बोलते हैं request line. Okay, request line. So first line of HTTP request message is called request line. Question number 45. FTP is built on what kind of architecture? We have only two type of architecture: client server architecture or peer to peer, or we can say point to point or P2P. So FTP जो है वो client server architecture है, क्योंकि इसमें एक system as a client काम करता है और एक system as a server. जो file download कर रहा है वो as a client काम कर रहा है, और जो file downloading की service provide कर रहा है वो as a server काम कर रहा है. Okay, so FTP is built on client server architecture. तो बहुत सारे protocols हैं, जैसे FTP जो SMTP है, SMTP भी client server architecture पे काम करता है, क्योंकि जो mail service use कर रहा है वो client है, और जो mail service provide कर रहा है वो कौन है? Server है. तो हर एक एप्लीकेशन किसी दो कैटेगरी में से एक ही हो सकती है, तो क्लाइंट टू क्लाइंट सर्वर या फिर P2P. FTP SMTP जो है वो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस हैं. FTP यूजेस हाउ मेनी पैरेलल TCP कनेक्शन टू ट्रांसफर अप फाइल. सो FTP यूजेस टू कनेक्शंस. वन कनेक्शन इज कंट्रोल कनेक्शन. ये दो कनेक्शन हम क्यों यूज करते हैं, और दूसरा है डेटा कनेक्शन. तो कंट्रोल कनेक्शन के लिए पोर्ट नंबर है 21 और डेटा कनेक्शन के लिए पोर्ट नंबर 20. दो इसलिए हम कहते हैं कि FTP जो है वो दो पोर्ट यूज़ करता है. कंट्रोल कनेक्शन से वो ऑथेंटिकेट करता है. ऑथेंटिकेट मीन्स पहले आपसे अटेम्प्ट करेगा यूजर नेम और पासवर्ड. तो पहले आप यूजर नेम पासवर्ड सप्लाई करोगे, उसके बाद में डेटा सेंड करना स्टार्ट करोगे. इसीलिए हमने एक अलग कनेक्शन रखा है, हमने एक अलग पोर्ट नंबर रखा है, जिससे आप यूजर को ऑथेंटिकेट करोगे. डेटा कनेक्शन आप अलग से ओपन करोगे किसी भी क्लाइंट के साथ में. तो दो कनेक्शन पैरेलल TCP कनेक्शन यूज करते हैं, एक डेटा कनेक्शन एंड एक कंट्रोल कनेक्शन. 47. इफ 5 फाइल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर ए टू क्लाइंट बी इन द सेम सेशन, द नंबर ऑफ TCP कनेक्शंस बिटवीन ए एंड बी इज हाउ मेनी. सो ए एंड बी के बीच में, लेट्स से ये है आपका एक क्लाइंट ए, ओके, और एक है सर्वर और उसका नाम है बी. सर्वर ए टू क्लाइंट बी, ओके. सो द नेम ऑफ क्लाइंट इज बी एंड देन नेम ऑफ क्लाइंट इज सर्वर इज ए. अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है क्लाइंट को, एक वेब पेज सेंड कर रहा है. उस वेब पेज के अंदर 5 फाइल्स हैं, ओके. 5 फाइल ट्रांसफर करनी है, तो कितने कनेक्शंस ओपन होंगे? तो 5 फाइल ट्रांसफर करने के लिए TCP 5 फाइल ट्रांसफर हो रही है, यानी कि फाइल ट्रांसफर के लिए आप क्या यूज़ करोगे? FTP यूज़ करोगे, ओके. और FTP यूज़ करने के लिए आप कितने कनेक्शन यूज़ करोगे? एक कनेक्शन ओपन करोगे आप डेटा के लिए, और एक कनेक्शन यूज़ करोगे आप कंट्रोल कनेक्शन. सो दो कनेक्शन टोटल यूज़ करोगे. ओके, दिस इज नॉट आस्किंग अबाउट द FTP, दिस इज आस्किंग अबाउट TCP कनेक्शंस. तो आपको टोटल 6 कनेक्शन एस्टेब्लिश करने होंगे. 6 कनेक्शन क्यों? एक कनेक्शन तो कंट्रोल के लिए, ओके, कंट्रोल कनेक्शन के लिए, और 5 कनेक्शन डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए. ओके, 5 TCP कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि टोटल 6 कनेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 48. व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स व्हाट. जब एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को सेंड करता है, यानी कि कौन सी सिचुएशन है जो हमने अभी डिस्कस किया था, लेट्स से दिस वन. जब एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को डेटा सेंड कर रहा है, तो इसमें जीमेल का जो मेल सर्वर है वो क्लाइंट बन गया, और जो याहू का मेल सर्वर था वो सर्वर बन गया है. इसी तरह जब यहाँ से मेल यहाँ जा रहा है, तो जो आपका जो सेंडर था वो क्लाइंट बन गया, और जीमेल सर्वर सर्वर बन गया है. तो इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एक सर्वर दूसरे सर्वर को डेटा सेंड कर रहा है, व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स व्हाट. तो मेल सर्वर क्या बन जाता है? क्लाइंट. जो सेंड कर रहा है वो क्लाइंट बन गया, और जो रिसीव कर रहा है वो सर्वर बन गया है. क्वेश्चन नंबर 49. द अंडरलाइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड बाय SMTP. SMTP यूजेस TCP एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. ओके, जिन एप्लीकेशंस में आपको गारंटी की जरूरत नहीं है, यानी कि कनेक्शन और ये रिलायबिलिटी की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप UDP यूज़ करते हो. जैसे कि आप सिर्फ कंसर्न हो रियल टाइम के बारे में, कि आपको जो डेटा है वो रियल टाइम पे डिलीवरी होनी है, आप कंसर्न नहीं हो कि वो लॉस्ट हो या ना हो, तो आप UDP यूज़ करते हो. लेकिन जहाँ पे आपको गारंटी चाहिए कि आपको डेटा गारंटीड ट्रांसफ़र करना ही करना है, उस केस में आप यूज़ करोगे SMTP. सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टू डेज. टिपिकली द TCP पोर्ट यूज्ड बाय SMTP इज व्हाट. विच पोर्ट नंबर इज यूज्ड बाय SMTP? एज आई टोल्ड,
port number 25 is used by SMTP for mail services. Okay, so today we have seen very simple easy level 50 questions. Okay, tomorrow we will discuss 100 questions which will be of medium level. Okay, thanks for watching.